इमाम हुसैन की बदौलत ये सब बचा है और इमाम हुसैन की याद हम ज़्यादा करते हैं। सिलवास में दो ताजे निकलते हैं सुन्नी जमात की तरफ से, 30 साल से फिरोज बापू की रहबरी के हक हम तक से निकालते हैं। दूसरा ताजिया ये खिश्किया ताजिया कमेटी के नाम से निकला जाता है, वो हमारे पीर मुफ्ती सैयद सरकार चिरा के गुजरात दिलावर पिया के मानने वाले इनके मुरीदीन निकालते हैं। तो जो वहाँ से जो हमारे अमरेली से जो हमारे हेडक्वार्टर से जो होता है तो हम यहाँ फॉलो करते हैं। बस यही है, आपके चैनल से इत्तेजा है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सब भाइयों के लिए दुआ है ना, हमारे देश को तरक्की करे, हमारा देश विश्व गुरु बने, यही हमारी प्रार्थना है। आज मुहर्रम है, आप ताजिया निकाला, कहाँ से निकाला है, कहाँ समापन होगा? आज हमारे प्यारे इमाम हुसैन का याद जुलूस निकाला गया है और ये पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में आज याद हुसैन बनाई गई है और आज याद हुसैन की शक्ल में ताजिया शरीफ हमारे दादरा नगर हवेली के अंदर जुलूस की शक्ल में निकाला गया। इसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सभी कौम के लोग आज इमाम हुसैन के इस रोजे का, इस ताजिए का सब ज्यारत करने के लिए आए, मनोकामना करने के लिए आए और आज इमाम हुसैन के पास जा नहीं सकते तो आज इस ताजिया को देख के अपने दिल की ताजा याद बनाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में याद हुसैन बनाई गई है काफ़ी अमन से, कभी सुकून से और भाईचारा से। आज मालिक ने भी हम पे कर्म कर दिया है, थोड़ी बारिश रुक गई है, आज इमाम हुसैन का जुलूस बड़ी शाम से सुकून से निकला है, उसके अंदर सभी लोग आए हुए लोग हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ आज हमारे दादरा नगर हवेली में काफ़ी अदब से, सुकून से और शांति से जुलूस निकला है और हमारे प्रशासक और हमारे पुलिस वालों ने भी काफ़ी हमें सहयोग किया है, तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसी तरह से हर साल याद हुसैन मनाते रहे। और आपके चैनल से कहना चाहता हूँ जय हिंद जय भारत। इमाम हुसैन का ताजिया 22 बलिया में बिठाया गया था, 22 बलिया मेन बिल्डिंग से निकला और किरोनी नाका आदिवासी भवन ऊपर खड़ा होकर जुम्मा मस्जिद पे रवानगी होगी और वहाँ पे दुआएं खैर किए जाएगी सबके लिए, सबके लिए, सब भाईचारे के लिए दुआ किए जाएगी, मालिक हमारी दुआ कबूल करें। इसमें हर लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है, जो इमाम हुसैन की छबील गाया जाता है, जो प्रसाद बांटे जाता है, हर लोगों ने किया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने इसमें हिस्सा लिया है और सभी कौमी एकता का एक परचम ले रहा है। बस मैं इसी कहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा बहुत शान और शौकत से हमारे वतन में, हमारे दादरा नगर हवेली में ये अच्छा एक जुलूस निकला है और ये हर साल बनता रहे।